मध्य प्रदेश से हैं दीपा जी, स्वागत है आपका। दीदी राधा स्वामी। दीदी राधे राधे मैं दीपा मैम। बोल रही हूँ। जी, मैं दीपा बोल रही हूँ। मेरे जी दो सवाल हैं दी, प्लीज आप अच्छे से लिख लीजिए। बिल्कुल। दी वो मेरे ना एक जीजा जी के लिए सवाल है, क्योंकि मैं उनको किसी को नुस्खे बताती रहती हूँ तो बहुत ना फायदे करते हैं, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए भी पूछना। तो उसकी ना एज है 51 और ना उनको 15 सालों से शुगर है, लेकिन अब ना उसको ना जैसे सुबह उठते हैं ना तो एकदम इतनी पीड़ा होती है शरीर में, बहुत कमजोरी महसूस होती है। और ना वजन है उसका 88 और उनको शुगर है, तो वो बोल रहे थे मेरे लिए पूछना कि मैं जैसे सुबह उठता हूँ तो बहुत पीड़ा होती है शरीर में और कमजोरी भी बहुत लगती है और जी वजन भी बढ़ा हुआ है। ठीक। मैंने कहा ठीक है, मैं अपने सर से पूछ दूंगी आपके लिए, तो वो क्या करें। और दूसरा ना उस प्रेग्नेंट बहू के बारे में पूछूंगी, तो उसका ना अभी 8वां महीना चल रहा है, तो वो बोल रही थी जैसे नॉर्मल डिलीवरी हो और उसको ना सर्दी बहुत बनी रहती है, छींके और सुबह शाम बहुत छींकती है और बहुत सर्दी बनी रहती है। और बोल रही थी दीदी मेरे लिए पूछना कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे होगी, तो मैं उसको अपनाऊं। मैंने कहा ठीक है, मैं पूछ के बता रही हूँ अपने सर से। ठीक है। पहले भी बहुत उनको फायदे हुए हैं, तो वो बहुत दिन से बोल रहे मेरे को जी। बस इतना ही राधा स्वामी सर। जी आप तो बहुत अच्छे हमारे व्यूवर्स में से हैं। आपकी बहू को भी मुझे मालूम है कि उनको रिसाव शुरू हो गया था, ब्लीडिंग शुरू हो गई थी, फिर आपने मुझसे नुस्खा पूछा था, डॉक्टरों ने मना कर दिया था नहीं हो सकता, फिर मैंने नुस्खा बताया था, फिर वो बच्ची अच्छी हो गई थी। मेरी तरफ से प्यार करना उसको और कोशिश करें नॉर्मल डिलीवरी हो। अब जो 9वां महीना लगेगा तो इस बच्ची से सब वो काम कराइए जो नौकरों से कराते हैं आप, यानी झाड़ू पोछा लगवाना। बच्ची को शायद बुरा ना लगे क्योंकि वो भी मुझे ज़रूर प्रेम करती होगी। और एक कपड़े धुलवाइए ज़मीन में बैठ के, चाहे आपके यहाँ नौकर चाकर हों, मशीनें हों धोने की, लेकिन उससे कराइए जितना भी उससे हो सके। तो ये दो काम कराना शुरू कर दीजिए उससे। और जब जो डेट डॉक्टर ने दी हो उसकी, उस डेट पर उसको जो बेकार सा गुड़ नज़र आता ना, काला सा पुराना सा बकवास सा, वो गुड़ घर में रखिए। जो डॉक्टर ने डेट दी है उस डेट से एक दिन पहले ऐसे 50 ग्राम खिलाना, फिर अगले दिन 50 ग्राम या 100 ग्राम खा ले किसी तरह और खूब पानी पिए। आपकी बच्ची को बहुत नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है। जी और जीजा जी के लिए देखिए, आपको तो पता ही है, अगर दर्द है तो गौंसिया देना है, आधा आधा ग्राम देना है, 2 बार देना है या 1 बार भी दे सकते हैं। और शुगर की दवाएं लेते रहें, पैदल ज़रूर चला करें, गर्म पानी ज़रूर पिया करें, और या तो गौन जामुन, आपको पता है बहुत असरदार है, एक एक चुटकी 2 बार दिया करें, खाने से पहले देना बेहतर है। एक एक चुटकी से ज़्यादा ना दें और 2 बार से ज़्यादा ना दें, तो उनको भी फायदा होना मुमकिन है।